नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पटोरिया। आज के समय में अगर आजादी की बात होती है तो हमारे दिमाग में आजादी की उस दौर की तस्वीरें ताजा हो जाते हैं, जब ना जाने कितने हैं भारत मां के वीर सपूतों ने अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींचा था, न जाने कितने आंदोलन किए थे, जिनमें से कुछ आंदोलन को इतिहास के पन्नों में या तो जगह नहीं दी गई या फिर मिटा दिया गया। ऐसा ही एक आंदोलन था, चपाती आंदोलन। इसका खुलासा ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य सर्जन डॉक्टर गिलबर्ट हेडू ने अपने एक पत्र में किया था, वही एक इस आंदोलन का मात्र सबूत है। तो ऐसा क्या था उस आंदोलन में या फिर उस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी थी, देखिए इस रिपोर्ट में। इतिहास से हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। इतिहास को हम जितना पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं उतना ही इसकी परतें खुलती जाती हैं। आज भी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की कई ऐसी कहानियां इतिहास में दर्ज हैं जिनसे आज भी लोग अनजान हैं। इतिहास के पन्नों में खोई इन कहानियों के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों व इतिहासकारों ने कई प्रयत्न किए, लेकिन उन्हें कुछ कहानियों के सबूत मिल पाए जबकि कई इतिहास के पन्नों में ही खोकर रह गए। आज हम आपको भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के द्वारा हुए एक ऐसे आंदोलन के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। इस आंदोलन का नाम है चपाती आंदोलन। अधिकतर लोग आज भी इस आंदोलन से अनजान होंगे। सन 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। कहा जाता है कि इसी दौरान चपाती आंदोलन भी चलाया गया था। आंदोलन का एकमात्र सबूत वो खत जो भारतीय इतिहासकारों के द्वारा 1857 की क्रांति का एक व्यापक चित्र किया था, लेकिन इतिहासकारों ने इस दौरान हुए चपाती आंदोलन को तवज्जो नहीं दी। चपाती शब्द से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वाधीनता के लिए हमारे लोगों ने क्या क्या नहीं सहा था। दरअसल इस आंदोलन का जिक्र पहली बार मार्च 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य सर्जन डॉक्टर गिलबर्ट हेडू ने किया था। उन्होंने भारत में ब्रिटेन में अपनी बहन को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने चपाती आंदोलन का जिक्र किया था। भारतीय इतिहास में यही खत चपाती आंदोलन का एकमात्र सबूत है कि भारत में ऐसा भी कोई आंदोलन चला था। हेडू के खत से जाहिर है कि यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींद हराम कर दी थी। तभी तो हेडू ने इसे जरूरी समझा और इतना जरूरी कि अपनी बहन को खत लिखकर खबर दी। गिलबर्ट ने अपने खत में लिखा कि वर्तमान में पूरे भारत में एक रहस्यमय आंदोलन चल रहा है। वो क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता। उसके पीछे की वजहों को आज तक तलाशा नहीं गया। ये कोई धार्मिक आंदोलन है या कोई गुप्त षड्यंत्र, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ पता है तो बस ये कि इसका नाम चपाती आंदोलन रखा गया है। इस आंदोलन के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस पर पहली नजर मथुरा के मजिस्ट्रेट मार्क नॉर्थहिन की पड़ी थी। जब एक रोज वो अपने घर से थाने पहुंचे तब उन्होंने अपनी टेबल पर चपातियों से भरा एक बोरा देखा, और इस पर उन्होंने जब एक भारतीय सिपाही से पूछा तो उसने बताया कि रात में कोई चपातियों से भरा ये बोरा छोड़कर गया है। मार्क इससे हैरान थे कि आखिर चपातियों से भरा ये बोरा कौन देकर गया होगा। कुछ दिनों के बाद खबरें आने लगी कि इस तरह के बोरे आसपास के हर गांव व चौकियों में मिल रही है। इसके बाद मार्क ने मामले की गंभीरता से इसे देखकर इसकी जानकारी जुटाना शुरू कर दी। इस दौरान मार्क को जांच में भारतीय सिपाहियों की मदद का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वह स्वयं भी चपाती बनाने और बांटने में सहयोग कर रहे थे। एक अनुमान के अनुसार करीब 90,000 से अधिक भारतीय पुलिसकर्मी एकजुट होकर चपातियों के बोरे एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाया कर रहे थे। इस तरह से मार्क की नाक के नीचे गांव-गांव में चपाती पहुंच रही थी। इस दौरान अंग्रेजों के हाथ कोई खास सबूत नहीं लग पाए, लेकिन जांच के दौरान उन्हें पता चला कि गांव में जो चपाती बनती है वो एक ही रात में 300 किलोमीटर तक का सफर तय करके दूसरे गांव पहुंच जाती है। यानी कि चपाती पहुंचने की ये सुविधा उस दौर के ब्रिटिश मेल सुविधा से कहीं ज्यादा तेज थी।
भारतीयों की ये चाल ब्रिटिश अधिकारियों के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। कुछ समय बाद चपाती बांटने की ये मुहिम और तेज हो गई। भारतीयों की मुहिम मध्य भारत से लेकर नर्मदा नदी के किनारे होते हुए नेपाल तक इसकी पहुंच बन चुकी थी। हालांकि इस दौरान चपाती बांटने वाले भी इस रहस्य से अनजान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। गांव में बस एक अनजान आदमी आता और रोटियों से भरा हुआ बोरा थमा कर चला जाता। संदेश होता कि रोटियां बनाओ और दूसरे गांव में पहुंचाओ। क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। ब्रिटिश अधिकारियों को अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अब कुछ था तो केवल अफवाहें। और इस दौरान कयास ये लगाने जाने लगे कि रोटियों के जरिए कोई गुप्त संदेश पहुंचाया जा रहा है। शायद कोई बहरूपिया सीमा पार करने के लिए रोटियों की मदद ले रहा है, या फिर कोई गुप्त आंदोलन की योजना बन रही है। हालांकि ये केवल कयास ही निकले, सबूत नहीं मिले। सन 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ दुर्लभ दस्तावेजों में लिखा है कि 5 मार्च 1857 तक चपाती अवैध रूप से रोहिलखंड और फिर दिल्ली समेत नेपाल तक पहुंचाई गई थी। ब्रिटिश अधिकारियों को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने आंदोलन को रोकने के लिए सरकारी नमक में गाय और सुअर के खून के छींटे फेंकने शुरू कर दिए, ताकि हिंदू मुस्लिम इन्हें हाथ न लगा पाए। अफवाह फैलाई गई कि आटे में सुअर का मांस मिलाकर बेचा जा रहा है। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों की ये सारी कोशिशें नाकाम ही रही। गांव वाले अपने खेतों के गेहूं से आटा पीसते और चपाती बनाते और बांटते। क्रम निरंतर जारी रहा। कुछ ही समय में मध्य भारत, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, गुजरात तक चपाती की धमक पहुंच चुकी थी। ब्रिटिश तंत्र बुरी तरह सहला हुआ था, क्योंकि किसी को इस रहस्यमय आंदोलन का मकसद समझ ही नहीं आ रहा था। देश के क्रांतिकारियों की ये छोटी सी मुहिम भी ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ाने वाली थी। इसके परिणाम स्वरूप ही 10 मई 1857 को मेरठ से ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह फूटा था। इस आंदोलन के बारे में कहावत यह भी है कि जिस वक्त मध्य भारत में कोलेरा यानी कि हैजा नामक बीमारी का प्रकोप फैला था, उस दौरान इस बीमारी से पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए चपाती आंदोलन चलाया गया था। हालांकि इतिहास के पन्नों में इस बात के सबूत भी नहीं मिलते हैं। अतः चपाती आंदोलन अंग्रेजों के लिए हमेशा एक रहस्य ही रहा। इससे दुख की बात यह रही कि हमारे इतिहासकारों ने भी कभी इसे टटोलने की कोशिश तक नहीं की। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।